सत श्रीकाल दोस्तों, तुहाडा स्वागत है मेरे चैनल दे विच। ते मैं हाँ तुहाडा अपना दोस्त गौरव। तो अज असी शुरू करन जा रहे हैं जनरल अवेयरनैस के क्वेश्चन। जो तुसी तैयारी करते हो पंजाब के गौरमेंट सर्विसेज वास्ते या फिर किसी होर भी गौरमेंट सर्विसेज वास्ते, तो तुसी मेरे इस चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। आपां डेली दे उत्ते रिलेटेड क्वेश्चन से वीडियोज़ लेके आते हाँ। तो चलो जी अज की वीडियो शुरू करते हाँ। बैल आइकन दबाना ना भुल्यो प्लीज़ दोस्तों। तो अज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन है जी, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड बिल इज अ मनी बिल। कहिंदे कौन डिसाइड करता है कि जे कोई बिल है तो वह मनी बिल है या नहीं है। ऑप्शन है जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा या फिर प्रेजिडेंट। सो राइट ऑप्शन है जी इसका स्पीकर ऑफ लोकसभा। दूसरा क्वेश्चन है जी इस सीरीज़ का, इस तो पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दाँ कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सर्टिफाइज इफ अ फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल और नोट विद इन द आर्टिकल नंबर 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते स्पीकर ऑफ लोकसभा ही सर्टिफाई कर सकता है कि केड़ा बिल फाइनेंस बिल है या फिर मनी बिल है या नहीं है, क्योंकि यह आर्टिकल 110 दसया गया है साढ़े कॉन्स्टिट्यूशन साढ़े संविधान के इंडिया के। दूसरा क्वेश्चन है जी इस सीरीज़ का, द लोधी डायनेसिटी वॉज एसटैबलिश बाय। कहते लोधी डायनेसिटी जिहड़ी सी ओह किन एसटैबलिश या किन स्थापित की सी। ऑप्शन है जी सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी या फिर खिजर खान। राइट ऑप्शन है जी बहलोल लोधी। सो इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लोधी डायनेसिटी वॉज अ पश्तून डायनेसिटी दैट वॉज द लास्ट डायनेसिटी टू रूल द दिल्ली सुल्तनत। कहते लोधी डायनेसिटी एक पश्तून डायनेसिटी भी सी जो कि दिल्ली के उत्ते राज करने वाली लास्ट डायनेसिटी बनी, या लास्ट एक कह लो राजघराना बनया। डायनेसिटी का मतलब होंगे राजघराना। द लास्ट रूलर ऑफ द दिस डायनेसिटी इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय द बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत ऑन अप्रैल 1526। कहते जो इब्राहिम लोधी इस डायनेसिटी का जो लास्ट राजा से लास्ट रूलर से जिहदा नाम इब्राहिम लोधी सीगा, उन्होंने डिफीट किया गया तो मारिया गया बाबर के द्वारा जो फर्स्ट पानीपत का लड़ाई हुई सी। पहली लड़ाई हुई सी पानीपत की, तो यह लड़ाई हुई सी ये याद रखना 20 अप्रैल 1526 नू। एंड द डायनेसिटी एस्टैबलिश बाय द बहलोल लोधी रूल्ड फ्रॉम 1451 टू 1526। कहते यह जी डायनेसिटी सी बहलोल लोधी द्वारा स्थापित की गई लोधी डायनेसिटी इन 1451 तो लैके 1526 तक राज किया। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेंगे जी। विच अमंग द गिवन इज अ टर्शरी एक्टिविटी। कहते इन केड़ी टर्शरी एक्टिविटी मनी जाती है। देखो प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शरी तीन एक्टिविटीज़ होंगे। प्राइमरी एक्टिविटी मैं एक्सप्लेन कर दिंदा थोनों, प्राइमरी एक्टिविटी हमेशा साढ़े एग्रीकल्चर के नाल रिलेटिड होंगी है। सैकेंडरी एक्टिविटी साडा एग्रीकल्चरल प्लस मैनुफैक्चरिंग के नाल रिलेटिड होंगी है। तो टर्शरी एक्टिविटी जी होंगी वो एक तरह की सर्विसेज के नाल रिलेट करती है। सो ऑप्शन है मैनुफैक्चरिंग, फार्मिंग, डेयरिंग या डेयरी फार्मिंग भी आ सकता है इतने क्वेश्चन की जगह ऑप्शन, तो ट्रेडिंग। ये चार ऑप्शन है, ये कि राइट ऑप्शन है देख लेंगे जी। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक तरह का सर्विस प्रोवाइडिंग मैन्यूअल होता है, तो ये यह सर्विस जी है टर्शरी एक्टिविटी के नाल रिलेट करती है। तो इतने इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेंगे जी। द टर्शरी सैक्टर और द सर्विस सैक्टर इज द थर्ड ऑफ द थ्री इकोनॉमिक सैक्टर्स ऑफ द थ्री सैक्टर थ्योरी। सो जनरली अगर असी गल करिए तो टर्शरी सैक्टर जरा है या सर्विस सैक्टर भी इन्हों कहा जाता है, बेसिकली थर्ड कैटेगरी है इकोनॉमिक सैक्टर। से तीन सैक्टर जो मैं थोड़ा पहला भी दसे, प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शरी। द अदर आर द सैकेंड सैकेंडरी सैक्टर दैट इज रिलेटेड टू द मैनुफैक्चरिंग। जो सैकेंडरी सैक्टर होंगे वो जनरली मैनुफैक्चरिंग रिलेट करता है। एंड द प्राइमरी सैक्टर विच इज़ रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर, और जो प्राइमरी सैक्टर है ये एग्रीकल्चर के नाल रिलेट करता है। टर्शरी एक्टिविटी आर द सर्विस बेस्ड एंड गिव नॉन टेंजिबल वैल्यूज ऑफ द कस्टम्स कस्टमर सच एज प्रोविजन ऑफ सर्विसिज, ट्रेडिंग एक्सेट्रा। सो जो असं टर्शरी एक्टिविटी की गल करिए, जी टर्शरी एक्टिविटी है ये जनरली सर्विस बेस्ड जिन्या भी फैसिलिटीज़ है उन्होंने रिलेटिड आ जाती हैं। तो ट्रेडिंग भी एक सर्विस रिलेटिड फैसिलिटी है जो कि कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती है। सो नैक्सट क्वेश्चन आ गया जी इस सीरीज़ का।
क्वेश्चन नंबर 4 द ओरिजिनेटिंग पॉइंट ऑफ द रिवर गोदावरी, कहिंदे जिथे तो शुरुआत होंदी है गोदावरी रिवर दी, इह केड़ा पॉइंट है और ये कितने स्थित है, पुणे दे विच, नासिक दे विच, मुंबई दे विच या शोलापुर दे विच। सो इसका राइट ऑप्शन है जी नासिक दे विच। द गोदावरी रिवर इज द रिवर इन द साउथ सेंट्रल इंडिया, कहिंदे जिहड़ी गोदावरी रिवर है साउथ सेंट्रल इंडिया दे विच है। इट ओरिजिनेट्स इन द वैस्टर्न घाट त्रिंबकेश्वर, कहिंदे वैस्टर्न घाट त्रिंबकेश्वर दे विच स्थित है ते इन द नासिक सब डिवीजन ऑफ द वैस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और ये नासिक सब डिवीजन जिहड़ी कि वैस्टर्न स्टेट महाराष्ट्र दे विच है। एंड फ्लोज थ्रू द मॉडर्न स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश बिफोर रीचिंग टू द बे ऑफ बंगाल, एंड कहिंदे ये जदों बहिंदी है तो यह आंध्र प्रदेश का एरिया कवर करन तो बाद तो पहला बे ऑफ बंगाल दे विच पहुँचती है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, द पंचशील एग्रीमेंट वॉज बिटवीन इंडिया एंड डैश, कहिंदे जिहड़ा पंचशील एग्रीमेंट होया सी ओ इंडिया और केड़ी कंट्री दे विच होया सी। ऑप्शन है जी चाइना, रशिया, ब्राज़ील या श्रीलंका। सो इसका राइट ऑप्शन है जी चाइना। इंडिया और चाइना दे विच पंचशील एग्रीमेंट किया गया सीगा ते देख लैंदे इहदे बारे पंचशील एग्रीमेंट की है। द पंचशील दैट इज़ द फाइव प्रिंसीपल ऑफ द पीसफुल को एग्जिस्टेंस एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन द चाइना एंड इंडिया इन 1954, कहिंदे जिहड़ा पंचशील एग्रीमेंट सीगा जिहनूं फाइव प्रिंसीपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस भी बोलिया जाता है जनरली, 1954 दे विच चाइना और इंडिया दे विच साइन किया गया सीगा। पंचशील फॉर्म द बेसिस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट एस्टैबलिश इन बेलग्रेड इन 1961, कहिंदे और पंचशील दे करके ही नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट हुई जिहड़ी कि बेलग्रेड जगह दे विच एस्टैबलिश की गई 1961 दे विच, 1961 दे विच। अगला क्वेश्चन है जी सीरीज का, क्वेश्चन नंबर 6, द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, कहिंदे जिहड़ी वैकेंसी हुंदी है प्रेजिडेंट की, ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट की, तो किन्ने टाइम के फिल कर देनी चाहिए अगर वो रेजिग्नेशन या वो डैथ हो जाए। तो ऑप्शन है जी 12 months, 6 months, 1 month या 3 month। तो इसका राइट ऑप्शन है जी 6 महीनों के वैकेंसी प्रेजिडेंट की जो है फुलफिल करनी जरूरी होंगी है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कंस्टीट्यूशन द इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट अकरिंग बाय रीज़न ऑफ हिज डैथ रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ द अदर शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर एंड इन नो केस लेटर दैन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द अकरेंस ऑफ वैकेंसी। सो कहते साडे इंडियन संविधान या इंडियन कंस्टीट्यूशन के आर्टिकल 50 दे विच लिखा गया है कि अगर किसी केस दे विच प्रेजिडेंट की डैथ हो जाती है या वो रेजिग्नेशन दे देता है या फिर किसी भी अदर कारण दे करके वह रिजाइन करता है तो जनरली 6 महीने के वैकेंसी फुलफिल होनी चाहिए है। तो इसका राइट ऑप्शन है जी 6 महीने। दैन अगला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, क्वेश्चन नंबर 7, हू अमंग द फॉलोइंग रोड द अकबरनामा, कहिंदे इन्हां दे विचों अकबरनामा किस बंदे ने लिखा सी। ऑप्शन है जी बीरबल, अकबर, अबुल फैजल या फिर भगवान दास। सो राइट ऑप्शन है जी अबुल फैजल। द अकबरनामा वॉज विच लिटरली मीनस द बुक ऑफ द अकबर, कहिंदे अकबरनामा नूं बुक ऑफ अकबर भी कहा जाता है, इस नाम के नाल भी जाणिया जाता है अकबर की किताब के नाम के नाल। इज़ द ऑफिशियल क्रोनिकल ऑफ द रूल ऑफ अकबर, जिहड़ा कि ऑफिशियल जो भी उहदा सिस्टम सी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स नूं उह किस तरह टैकल करता सी, हैंडल करता सी, उहदे बारे सारा दिता गया सीगा ब्यौरा। तो अकबर के राज घराने के दौरान जो भी उहदी राजनीति हुंदी सी उस नूं वी इहदे विच चर्चित किया गया है। द थर्ड मुगल एम्परर, और अकबर जिहड़ा सीगा उह तीसरा मुगल एम्परर सी, कमीशन बाय द अकबर कमीशन बाय द अकबर हिमसैल्फ, और कहिंदे ये जिहड़ा अकबरनामा लिखा गया सीगा एक जनरली अकबर खुद चाहता सीगा कि मेरा इस तरह का एक अकबरनामा ता कि मेरी अगे आने वाली जिहड़ियां पीढ़ियां है वह पढ़ सके इनू ते अपने राज नू अच्छी तरह चला सके। बाय हिज कोर्ट हिस्टोरियन एंड बायोग्राफर्स, ये लिखा गया सीगा जो भी उहदे कोर्ट दे विच उहदे हिस्टोरियनस हुंदे सीगे या बायोग्राफर्स हुंदे सीगे। अबुल फैजल हू वॉज वन ऑफ द 9 जैवल इन द अकबर कोर्ट, और जेडे उन्हें अपने 9 मुख्यमंत्री रखे हुए थे उन्होंने अबुल फैजल एक सी उहदी कोर्ट दे विच उहदी सभा दे विच ते उन्हें ही अकबरनामा लिखा। चलो जी अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का,
द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कंस्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कंस्टिट्यूशन ऑफ डैश। कहिंदे जिहड़े कंकरेंट लिस्ट ली गई है अपने इंडियन संविधान दे विच, इंडियन कंस्टिट्यूशन दे विच, इह किहड़े होर देश दे संविधान तो ली गई है? ऑप्शन है जी कनेडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया या USA। सो राइट ऑप्शन है जी इहदा ऑस्ट्रेलिया। द इंडियन कंस्टीट्यूशन बोरोड द कंसैप्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। कहिंदे जिहड़ा इह कंसैप्ट लिया गया सीगा कंकरेंट लिस्ट दा अपने इंडियन संविधान दे विच, इह ऑस्ट्रेलिया तो लिया गया सी उहनां दे संविधान नूं देख के। फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कंस्टीट्यूशन इंडिया ऑलसो बोरोड द फीचर ऑफ द फ्रीडम ऑफ ट्रेड कमर्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड एंड ज्वाइंट सिटिंग इन द पार्लीमेंट। कहिंदे इस तों इलावा होर की लिया गया सीगा, अगर क्वेश्चन तुहानूं इह आ गया कि कंकरेंट लिस्ट तों इलावा होर की चीज़ां लईआं गईआं सीगियां ऑस्ट्रेलियन कंस्टीट्यूशन तों इंडिया दे द्वारा, इंडियन दे कंस्टीट्यूशन दे विच लिखण वास्ते। सो फ्रीडम दे फीचर्स, जो जो फ्रीडम दे राइट हुंदे किसी पर्सन दे, ओह लिखे गए सीगे, ओह भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड कमर्स एंड इंटर स्टेट ट्रेड, ये भी जिहड़ा ट्रेड व्यापार दे रिलेटिड जिन्ने भी आर्टिकल्स ले गए इह ऑस्ट्रेलियन कंस्टीट्यूशन तो ले गए। तो उस तो बाद अगर जॉइंट सिटिंग हो रही है पार्लीमेंट के मैंबरस की, तो उसके बारे भी जो रूल एंड रेगुलेशंस है वह भी सारे ऑस्ट्रेलियन कंस्टीट्यूशन के द्वारा ले गए। दैन नैक्सट आ गया जी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोरेंस कर्व शोज। कहते एक लोरेंस कर्व हों किस चीज़ को रिप्रजेंट करता है? ये अनइंप्लॉयमेंट न, इनफ्लेशन नू, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉवर्टी नू। लोरेंस कर्व जनरली अनइंप्लॉयमेंट का मतलब होंदा कि बेरोजगारी, इनफ्लेशन का मतलब जो साड़ी मीनस खर्चे बढ़ रहे ने, ठीक है, इनफ्लेशन रेट बढ़ना। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब किस तरह पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इनकम लोगों की की रखी जाए, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी। सो लोरेंस कर्व जनरली इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रजेंट करता है। तो इकोनॉमिक्स के लोरेंस कर्व को ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के नाल दसिया जाता है। सो इन इकोनॉमिक द लोरेंस कर्व इज़ अ ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और द वैल्थ। तो जनरली अगर असी देखिए इकोनॉमिक्स के लोरेंस कर्व को ग्राफिकल रिप्रजेंटेशन के नाल रिप्रजेंट किया जाता है। तो यह जो ग्राफ है यह दसदा है सानू कि किस तरह इनकम डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है अलग अलग कैटेगरीज के। तो अज की सीरीज़ का जी लास्ट क्वेश्चन है, हीराकुड डैम हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर। ये क्वेश्चन जी बहुत इंपोर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट जिन्हें भी एग्जाम्स होए थे गवर्नमेंट जॉब्स के, उन्होंने पूछा गया 2021 के। ऑप्शन है जी महानदी, गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र। सो इसका राइट ऑप्शन है जी हीराकुड डैम महानदी के उत्ते स्थित है। हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम द संबलपुर इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन इंडिया। कहिंदे 15 किलोमीटर लंबा यह पुल है, संबलपुर स्टेट ओडिशा के स्थित है। तो हीराकुड डैम के उत्ते महानदी के उत्ते बनाया गया यह, जिसकी लंबाई 15 किलोमीटर है। इन बिल्ट इन 1957 द डैम इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्दन डैम। और कहिंदे 1957 के बनाया गया सी डैम। तो अगर असी गल करिए पूरे वर्ल्ड का सब तो लंबा डैम अज तक का हीराकुड डैम है। तो मिलते हैं जी इसी तरह की एक होर वीडियो के विच, ते उदों तक थैंक यू वेरी मच। मिलांगे अगली वीडियो, ते सबसक्राइब करना ना भुल्यो।